डॉक्टर, मुझे एक चीज और बताइए मुझे कि आज की तारीख में इंडिया को, भारत को बाहर के मुल्कों के द्वारा कैसे देखा जाता है, किस तरह से हम उसे देख रहे हैं वहां से? इसमें देखिए दो चीज है, राइट। एक चीज है कि पहले तो बड़ा मुश्किल है क्वांटिफाई करना इसको कि भारत को कैसे देखा जाता है, पर एक चीज तो है कि मैं सब्जेक्टिवली बता रहा हूं कि जिस समय जब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुई थी मनमोहन सिंह जी के टाइम से, सबसे पहले उस समय एकदम जो जो माहौल था इन्वेस्टमेंट से लेकर, वो तो हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो नंबर्स अपने आप में बयां करते हैं सारी सच्चाइयां कि क्या हुआ था इकोनॉमी में, पॉजिटिविटी कैसे हुई थी, जो जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो आईटी में आप देखते हैं वो सब उस समय की ग्रोथ से आई है, ठीक है ना, निकल के उस समय से आई है ग्लोबल स्टेज पे, ठीक है। तो इसमें हमको और आपको अपने ओपिनियन पे देने की जरूरत नहीं है, नंबर्स अपने आप में बोलते हैं, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, नंबर खुद बोलते हैं। अब आते हैं आपको अभी के टाइम में, ठीक है, तो जब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पे आप जाके देखें उस चीज को, तो यहाँ पे भी नंबर अपने आप में बयान कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम लोग को स्पिन देने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से लेकर आप देखिए कि कितनी नई चीजें स्टार्ट हुई है और कंपेयर कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। रही बात जो इमेज की, तो वो दो चीजें इंडियंस की ओवरऑल, यहाँ पे देखिए जो भी माइग्रेशन हुई है यहाँ पे इंडियंस की, मोस्टली प्रोफेशनल्स की हुई है, यहाँ पे तो बॉर्डर है नहीं कि कोई मेक्सिको से आ गया कुछ भी करने के लिए, तो मोस्टली प्रोफेशनल्स है। और आपको आश्चर्य होगा ये, और मोस्टली जो है या तो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस में, जो मेजोरिटी यहाँ पे है, राइट। तो ओवरऑल एज अ कम्युनिटी तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो ओवरऑल जिसको बोलते नहीं कि ऑल्दो मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ, पर मॉडल माइनॉरिटी का भी उनके ऊपर दावा किया गया है, ठीक है ना, कि साउथ एशियंस इन जनरल, ठीक है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ओवरऑल क्या इमेज है, क्योंकि ओवरऑल जो इमेज जो बनता है वो लोगों से ही बनता है, कंट्री क्या है, लोग से ही बनता है। तो लोग अगर अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे जो आए हैं, कॉलेजेस स्कूल्स में प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ओवरऑल मेजोरिटी सब ठीक काम कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो विजिबिलिटी भी है, ओवरऑल तो इमेज अच्छी है मेरे ख्याल से, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स दैट आई बिल्कुल टोल्ड यू। जी, इसमें एक चीज और डॉक्टर अंबुज, जैसे मान लीजिए इंडिया में होते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं भी कहता हूँ कि जो लोग कभी विदेश नहीं भी गए हैं वो भी ये चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि भाई मोदी जी के कारण विदेशों में हमारे मुल्क की, हमारे देश की इज्जत बहुत ज्यादा हो गई है। तो वो किस तरह से देखते हैं, मतलब मैं तो नहीं समझ पाता हूँ कि कई बार वो किस तरह से देखते हैं। वो यहाँ पे ही जो लोगों को परसेप्शन बनाया गया है, जो दिखाया गया है, सिर्फ उसे ही वो कंज्यूम कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, या वास्तव में कुछ बाहर जो है इंडिया में, जैसे आप इतने वर्षों से भारत के बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो अमेरिका में क्या नरेंद्र मोदी के आने के बाद कोई इमेज में बदलाव, कोई सुधार या देखने को ऐसा मिला है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर रेगुलर लाइफ में लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, जैसे कि इंडिया में भी अगर 10 लोगों से पूछिएगा क्या अमेरिका की इमेज बदल गया आपके लिए, तो वो बोलेंगे अरे भैया मुझे काम करने दो। तो सेम चीज जो है, आम आदमी अपने दिनचर्या में व्यस्त है, जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ पर्सनल, मैं कहीं पे टॉक दे रहा हूँ, तो कोई थोड़ी ये बोलता है कि वी वेलकम यू नो प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज कुमार हु इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रोफेशनल एफिलिएशन है, राइट, उसको अनाउंस किया जाता है, काम खत्म। लोगों को काम से मतलब है, आप जाते हैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हैं, राइट। आप जर्नलिस्ट हैं जो कि हैपेंस टू बी फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के कारण ही आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैक्ट भी है कि लाइफ में हम जो भी हैं, ठीक है ना, जिनमें जिन चीजों में हमारा कोई योगदान नहीं है, उसका ना हम क्रेडिट ले सकते हैं ना ब्लेम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इंडियन हैं, मैं इंडियन हूँ, हेरिटेज हमारा जो भी है, राइट, उसमें हमने थोड़ी चुना था, तो वो तो होते गया। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, वो एक जस्ट क्या बोलते हैं साइड इश्यू है, वी हैपन टू बी फ्रॉम इंडिया, राइट, पर उसका परफॉर्मेंस में ना कोई बेनिफिट है ना लॉस है। तो ऐसा कुछ जी नहीं कि ऑटोमेटिकली इमेज बन गया या बिगड़ गया, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं।